हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप जो है नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो दोस्तों, चाहे आप कोई भी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यदि यूजीसी आईसीएआर आईसीएमआर या फिर सीएसआईआर किसी भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए जो है आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग जो है पूरे लेक्चर के दौरान बने रहें। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट दिए हैं, उन सारे पॉइंट्स को जो है मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ जो है ध्यान से सुनो। दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको ब्रीफ कर दूँ कि मैं अभी एट प्रेजेंट जो है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वर्क कर रहा हूँ, और मैंने जो है यूजीसी नेट और आईसीआर नेट ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप सभी से जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, और निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए जो है ये काफ़ी यूजफुल होगा। और यदि आप इन पॉइंट्स को जो है फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पे बता रहे हैं कि आप जो है नेट जेआरएफ विद इन 6 मंथ या 1 ईयर आप निश्चित तौर पे जो आप क्वालिफाई कर सकते हो। और दोस्तों, आज का लेक्चर जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी फ्रेशर्स हैं या फिर अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब मास्टर डिग्री जो अभी रनिंग है कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जो है ये खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से जो एकदम सपोज करो कि आप नेट जेआरएफ के बारे में बिल्कुल नहीं आपको पता है, और आप शुरुआती दौर से कैसे जो है नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करो, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट चीज कि दोस्तों, यदि आपको जो है आज का वीडियो यूजफुल लगे, तो चाहे तो आप हमारे YouTube चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए YouTube जो वीडियो हमारा है, वीडियो के नीचे जो आप देखेंगे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर जो है आप यदि क्लिक कर देते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकॉन पे भी आप प्रेस कर देना, जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें तो आपको जो है इजीली उसका मैसेज मिल सके और आप उसको वॉच कर सके। दोस्तों, आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें जो है कि जैसे सबसे पहले तो यदि टॉपिक की बात करें कि फ्रेशर्स और अपियरिंग स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, तो मतलब जितने भी फ्रेशर और अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जो आज का लेक्चर है, ठीक है। और वैसे भी पुराने भी हैं, जो लोग अभी बाय द वे क्लियर नहीं हो पाए, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को जो है फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यदि यहाँ पे देखें कि मास्टर डिग्री का सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। दोस्तों, यदि आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो ड्यूरिंग मास्टर डिग्री जो है हम लोगों को पता नहीं चलता है, हम लोग केवल जो है इस होड़ में लगे रहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, हम केवल जो है पास आउट हो जाए। तो एमएससी में यदि आप एडमिशन ले, मतलब मास्टर डिग्री कोई सा भी हो, चाहे आप एमएससी एमकॉम कोई सी भी डिग्री मैनेजमेंट में आप कर रहे हो, तो आप वो डिग्री तो पा ही जाओगे। यदि आपने एडमिशन ले लिया तो निश्चित तौर पे आप डिग्री तो लेके ही निकलोगे, बट केवल आपका ये टारगेट तो है नहीं कि केवल हमको जो है मास्टर डिग्री कंप्लीट करना है। आगे यदि आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हो, तो उस केस में आपको जो है नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी तो करना ही पड़ेगा। तो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, आप जो है सबसे बड़ी चीज, तो जो मतलब मास्टर का जो है आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो। क्योंकि आप देखोगे कि मास्टर डिग्री से जो है आपका मास्टर डिग्री का जो सिलेबस होता है वो नेट का सिलेबस लगभग पूरा जो है मैच करता है। लगभग हर यूनिवर्सिटी का, पूरे ऑल इंडिया में आप देखोगे तो लगभग जो है जो नेट का सिलेबस है उससे जो है आपका मास्टर डिग्री का सिलेबस मैच करता है। तो उसको आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है। दूसरी बात ये, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि नेट जेआरएफ का सिलेबस कलेक्ट कर लें। अब जो है आप नेट जेआरएफ आपको क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए जो है आखिर पढ़ना क्या है ये जानना जरूरी है। तो उसके लिए आपको पता चलेगा नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो जो है जिस भी नेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की, एनटीए यूजीसी नेट है, तो उसके वेबसाइट पे जाकर के आप जो है सिलेबस कलेक्ट कर सकते हो। सीएसआईआर के साइट से सीएसआईआर नेट का कर सकते हो, वैसे आईसीआर का यदि करना तो एएसआरबी नेट या फिर आईसीआर नेट, मतलब आईसीआर के साइट से जो है आप कलेक्ट कर सकते हो, तो या फिर आईसीएमआर की कर रहे हो तो उसके साइट से जो है सिलेबस आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों सिलेबस आप जो है सबसे पहले कलेक्ट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तीसरी बात जो है कि अब मैच करें कि मास्टर डिग्री का और नेट जेआरएफ का सिलेबस जो है कितना मैच कर रहा है। जो आपने मास्टर डिग्री में जो आप पढ़ाई कर रहे हो और उसके सिलेबस से मैच करो कि नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उससे कितना मैच कर रहा है। तो जब आप मैच करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि कितना पोर्शन जो है दोनों का सेम है। अब कुछ पोर्शन ऐसा हो सकता है कि नेट में सपोज करो कि एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यदि आपके मास्टर डिग्री में एक्स्ट्रा दिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़े रहोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बट आप देखो कि यदि आपके वो नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो है एक्स्ट्रा कुछ चीजें दी हैं तो उसको आप जरूर से हाईलाइट कर लो, क्योंकि बाकी चीजें तो आप ऑलरेडी जो है मास्टर डिग्री में पढ़ रहे हो, बट वो चीजें आप चूंकि नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, तो उन चीजों का आप हाईलाइट कर लो कि उनको, उनके बारे में जो है आप अभी से नेट इंटरनेट वगैरह से आप मैटर सर्च कर सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई बुक परचेज कर सकते हो, या फिर कहीं से नोट्स आप मंगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन पोर्शन को भी आप कवर
करो, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें हम लोग कि फोर्थ यदि पॉइंट की कि जो पोर्शन मास्टर डिग्री पे मास्टर डिग्री लेवल पे सिलेबस में नहीं है उसे हाईलाइट कर लें, वही मैंने अभी जो प्रीवियस पॉइंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें कि अब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखें कि क्वेश्चन किन टॉपिक से हमेशा पूछता है, उन्हें अच्छे ढंग से तैयार करने की जरूरत है, ठीक है। मतलब जिन आप जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखते हो तो उससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपको ये पता चलता है कि कौन कौन सा जो है नेट का जो सिलेबस हमारे पास है उसमें जो है कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ऑलरेडी हमेशा जो है अभी तक क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, या फिर क्वेश्चन आते भी हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे बड़ा आइडिया जो है आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखने से लगता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जरूर से आप देखें। देन सिक्स पॉइंट की बात करें कि बहुत जल्दीबाजी न करें, टेंशन न लें, पर अपने टारगेट के प्रति सीरियस रहें। आपको दो चांस मास्टर डिग्री के दौरान ही मिल जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा दोस्तों जल्दीबाजी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आप यदि मास्टर डिग्री कर रहे हो तो सपोज करो यदि आप फ्रेशर हो, आपने यदि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके पास देखा जाए तो 2 साल आपके पास है। लेकिन यदि आप अपियरिंग स्टूडेंट हो, मतलब कि फाइनल ईयर में हो, तब भी आप देखोगे कि यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको दो बार टाइम मिल जाता है, सीएसआईआर में भी जो आपको दो बार मिल जाता है। मतलब ड्यूरिंग मास्टर डिग्री आपको जो है दो अटेम्प्ट मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो आप यदि बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो आपका क्वालिफाई नहीं होगा, दो अटेम्प्ट में भी आप चाहो तो क्वालिफाई कर सकते हो। यदि बाय द वे मास्टर डिग्री के दौरान नहीं हुआ तो मास्टर डिग्री होते होते जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट जो रहे तीसरा अटेम्प्ट में आप कर ही लो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें आप मास्टर डिग्री की जो है अब सपोज करो आप थर्ड सेमेस्टर में हो या सेकेंड ईयर में हो, जहां पे ईयरली एग्जाम होता हो तो उस केस में हो सकता है कि कुछ मैटर आप अभी न पढ़े हो तो वो चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आप जो है यदि मतलब जब पूरे चीजों को पढ़ लोगे तो आप देखोगे कि इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो 2 साल बाद आप जब देखोगे कि आपका जो है लगभग सारी चीजें तब तक कवर हो गई रहेंगी, आप इस स्ट्रेटजी के साथ यदि चल रहे हो तो सारी चीजें आप कवर कर पाओगे, ठीक है। देन तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा आप जो है एकदम टेंशन फ्री हो जाओ कि अब ठीक है कर लेंगे मास्टर डिग्री के बाद कर लेंगे, तो वो तो ठीक है मास्टर डिग्री के बाद तो आप कर लोगे, बट उतना सीरियस आप नहीं रह पाते हो उसके बाद जो है, और जो चीजें आप मास्टर डिग्री में पढ़े रहते हो वो धीरे धीरे चीजें भूलती भी जाती हैं। तो कोशिश करो कि आप जस्ट फ्रेशर, मतलब आप फ्रेशर हो या फिर अपियरिंग स्टूडेंट हो, तो उसी टाइम पे यदि आप आगे कर लेते हो ड्यूरिंग मास्टर डिग्री या ड्यूरिंग मास्टर डिग्री के जस्ट बाद, तो वो ज्यादा बेटर होता है, बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सारे मैटर्स कलेक्ट कर लें नेट जेआरएफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब नेट जेआरएफ का सिलेबस जब आपने देख लिया तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सारे बुक्स वगैरह या फिर कहीं से इंटरनेट से यदि मैटर आपको मिल जाता है या फिर कहीं से नोट्स आप कलेक्ट कर सकते हो या नोट बना सकते हो, जैसे भी आप कर सकते हो दोस्तों, जो सारा मैटर पहले तो आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि यदि आपके पास जो है जब हथियार नहीं रहेगा तो आप लड़ाई कैसे करोगे। तो आपका जो है हथियार क्या है, ये सारे आपके पास मैटर्स होने चाहिए, वो मैटर्स यदि है आपके पास तो आप निश्चित तौर पे जो है जीत हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मैटर्स पहले आप कलेक्ट करो, देन जो है पढ़ाई आप स्टार्ट करो। तो ये 7 पॉइंट तक तो मैंने आपको जो है केवल अभी प्रिपेयर किया कि कैसे आप जो है आपको प्रिपरेशन, अब मतलब क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। देन अब आती है बात जो है प्रिपरेशन की, अब पढ़ना स्टार्ट करें, हर टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ें। मतलब जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करो दोस्तों, उन हर टॉपिक को जो है बहुत डीप में जाओ, बहुत डीप में पढ़ो, ठीक है। हो सकता है कि एक किसी बुक में जो है पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप लेके चले तो उस टॉपिक के बारे में बहुत थोड़ा सा दिया हो, आप किसी अदर बुक में देखो उससे आपको कुछ मैटर मिल जाएगा, फिर जो है कुछ आप इंटरनेट से सर्च करो, ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर में देखो, हो सकता है कि आपको धीरे धीरे जो है नई चीजें उसके बारे में बहुत सारा मिल जाएगा, देन आप उसको कलेक्ट कर लो, उसको आप नोट डाउन कर लो। इस तरह से जो है करते करते आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको काफी जो है डीप नॉलेज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप इस पॉइंट अभी से पढ़ाई करो कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अब उससे कभी भी यदि किसी तरह का क्वेश्चन पूछता है तो निश्चित तौर पर हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस हिसाब से जब पढ़ोगे तब आप जो है देखोगे कि आप नेट जो आप क्वालिफाई करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, जो 9वां पॉइंट दिया हुआ 9th जो है कि पढ़ते वक्त बुक में अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट या हाईलाइट जरूर करें, जिससे रिवीजन में आपको आसानी रहे। जैसे दोस्तों जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बुक को जो है कलर नहीं करते, वो सोचते हैं कि नई बुक है इसको जो है हम बिल्कुल कलर नहीं करेंगे। दोस्तों
सपोज करो आप जो है उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हो, कलर नहीं कर रहे हो, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हो, बस इसलिए कि वो जो है हमारी बुक गंदी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा टारगेट नहीं है ना कि हम बुक जो है मतलब गंदी ना हो, टारगेट तो हमारा ये है कि हमको जो है कोई एग्जाम क्रैक करना है, हमको सक्सेस होना है। तो सक्सेस होने के लिए जो भी आपको तरीके अपनाने पड़े आप अपनाओ, तो उसको जो है आप जैसे आपको इजी लगता है कि आप उस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, या फिर अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, कलर्ड कर सकते हो, जिससे कि अब जैसे जब दोबारा आप रिविजन के टाइम पर उसे काफी हेल्प मिल जाता है। जब जैसे मान लो कोई सा भी बुक आप उठाए उसको हर टॉपिक को पढ़ रहे हो, अब पहला पेज आपने पढ़ा हो सकता है कि उसमें से आपको जो है केवल एक पैरा जो है इंपॉर्टेंट मिला या 10 लाइनें आपको इंपॉर्टेंट मिली, तो उन लाइन को केवल आप जब हाईलाइट कर लिए रहते हो, अंडरलाइन कर लिए रहते हो, तो जब आप रिवाइज करते हो तो उस टाइम पे आपको अब ज्यादा पूरा पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको केवल 10 लाइन पढ़ लिए तो आपका जो है काम हो गया। क्योंकि रिविजन करने के लिए आप देखते हो बहुत कम आपके पास टाइम होता है, उस कम टाइम में आपको जो है पूरा सिलेबस कवर करना होता है, ठीक है। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको ये भी बता दें, सिलेबस की बात आई तो सिलेबस जैसे नेट का सिलेबस आप लेके बैठे, आप पढ़ाई करना शुरू किए, तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम नेट का सिलेबस पूरा जो है खत्म कर दें। खत्म करना भी जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि केवल जो है हमको जो फॉर्मेलिटी करनी है कि हर टॉपिक हम कवर कर डालें। आपका जो है टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो पूरे डीप में पढ़ो, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि दसवां जो पॉइंट है, दसवां पॉइंट जो दिया है टेंथ जो है कि रिविजन टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। दोस्तों आप बहुत सारे जो है पूरी बुक आप पढ़ डाले, सब कुछ कर डाले, और लास्ट मोमेंट पे यदि आप मतलब रिवाइज नहीं किए या बीच बीच में आप रिवाइज नहीं कर रहे तो आपके पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि वो देखते हो कि ये जो है ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप कोई चीज पढ़ते हो बट वो चीजें भूल जाती हैं, तो उसको बीच बीच में आप रिवाइज करते रहोगे तो वो सारी चीजें जो है आपकी प्रिपेयर होती रहेंगी और आपके माइंड में जो है वो परमानेंट बैठ जाएंगी। देन आगे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप निश्चित तौर पे क्वालिफाई कर पाओगे। देन जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स जो है जरूर से सॉल्व कर लें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स दोस्तों सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उसको आप देखो, उसको आप जरूर से सॉल्व कर लो, उसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि उससे आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं, हर टॉपिक के बारे में ये पता चलता है कि उससे कि मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस क्वेश्चन को किस तरह से पूछ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर, दूसरी बात ये कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप ये देखें जो भी नेट का जैसे नेट का जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो उस पेपर को देखो कि वो नेट के एग्जाम में जो कितने टाइम का होता है, उस टाइम लिमिट में जो है आप उस पेपर को घर पे जो पिछले 10 साल या 15 साल के पेपर जो भी सॉल्व कर सकते हो उन पेपर्स को एक एक पेपर लेकर के उस टाइम लिमिट में सॉल्व करके देखो कि क्या आप उतने टाइम में पूरे क्वेश्चंस कर पा रहे हो। यदि आप कर पाओगे तो देखोगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। देन आपको ये मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, और दोस्तों इस तरह से जो आप निश्चित तौर पर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। दोस्तों बस मेरा यही एक्सपेक्टेशन है आप सभी से कि आप सभी लोग जो है जो भी टारगेट आपका है यदि आप नेट जेआरएफ करना चाहते हो तो आप निश्चित तौर पर जो है क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। आप इस तरह से यदि करते हो, ये सारी स्ट्रेटजी बना के चलते हो तो निश्चित तौर पे बता रहे हैं आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग बहुत सारे लोगों से राय लेते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं प्रिपरेशन कैसे करें, वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं। बहुत बार होता है कि हम खुद जो है बहुत स्ट्रगल किए हैं तब जाकर के आज ये जो है क्वालिफाई कर पाए इस एग्जाम को, और बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, बट हर प्रॉब्लम से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो उन चीज़ों को जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया उसके अकॉर्डिंग जो मेरा फाइनल कंक्लूजन था उन चीज़ों को आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी, और आज का वीडियो आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली सुना, इतना टाइम आप लोगों ने दिया दोस्तों, उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स, होप इस बार जो है आपका आप सभी का जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू।